नमस्कार, घर का जायका विद सरोज में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कटहल की सब्जी की रेसिपी। यह ऐसी रेसिपी है जिससे आपको कटहल की सब्जी का स्वाद चिकन या मटन की तरह लगेगा। कटहल वैसे तो कमोबेश पूरे भारत में पाया जाता है, केरल और तमिलनाडु राज्य ने तो इसे स्टेट फ्रूट ही घोषित कर रखा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसकी सब्जी आमतौर पर किसी होटल के मेन्यू में दिखाई नहीं देती, घरों में ही सब्जी बनती है। तो चलते हैं आपको कटहल की सब्जी की रेसिपी बताने, जो बनने पर आपको नॉनवेज से किसी तरह कम नहीं लगेगी। इसके लिए हम एक छोटा कटहल लेते हैं। कटहल जितना छोटा रहेगा उसकी सब्जी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। यह कटहल लगभग 1 किलो का है। अगर आपको इससे छोटा कटहल मिल जाए तो और अच्छा होगा। कटहल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1/2 किलो कटहल लेकर उसका छोटे छोटे पीस करके उसको नमक के पानी में डाल देंगे। नमक के पानी में इसलिए डालेंगे क्योंकि ये काला ना हो कटने के बाद। फिर 2 मीडियम साइज के प्याज लेंगे और इसे इस तरह से चॉप कर लेंगे महीन महीन। 2 टेबल स्पून तेल लेंगे, सरसों का तेल। 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 स्याह जीरा, 4-5 साबुत लौंग, 2 लाल मिर्च साबुत, 2-3 तेज पत्ते, जायफल, जावित्री और पीपल थोड़े थोड़े मात्रा में लेंगे। 1 चम्मच जीरा लेंगे, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, 3-4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1.5 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पूरा हल्दी पिसी हुई, 1 बड़ा लहसुन, काली मिर्च करीब 1/2 चम्मच, 1 दालचीनी का स्टिक और 1 फूल चक्री। 1 चम्मच लेंगे चिकन मसाला, 2 नमक स्वादानुसार, 3-4 चम्मच कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और 1 से 1.5 चम्मच गाढ़ी दही। हम सबसे पहले हम कुकर में कटहल को उबलने के लिए रख देंगे। 1 सीटी आने के बाद हमने गैस बंद कर दी। अब कुकर खोलते हैं और इसको छान लेते हैं। गैस के आंच हम लो करेंगे, लो आंच पे ही बनाना है। अब हम इसमें 1/4 स्पून हींग डालेंगे और कटहल को फ्राई करने के लिए कटहल को हम फ्राई करेंगे। कटहल को हमने हल्का फ्राई कर लिया है, देखिए। अब मैं इसको निकाल दूंगी। मैंने इसको निकाल लिया। हमने गैस जला लिया है, अब इस पे कुकर चढ़ाते हैं और सब्जी बनाते हैं। इसमें बाकी बचे हुए जितने हमने कढ़ाई में कटहल फ्राई किया था उसके बाद जितना तेल जो बचा है फिर डाल दिया इसमें। डालते हैं, तेल गरम हो जाए। तेल गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें 1/4 1/4 चम्मच हींग डालते हैं। अब इसमें हम डालेंगे तेजपत्ता। तेजपत्ता डाल दिया मैंने। अब डालेंगे लहसुन की कलियां, खड़ा लहसुन है जो हमने कली डालना है। थोड़ा दूर से डालेंगे तो अच्छा कट जाएगा।
ताकि इसमें लहसुन की खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। थोड़ा सा लाल हो जाएगा लहसुन। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। चलाएंगे, इसके बाद डालेंगे हम अदरक और इन सब चीजों को हमने छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग और ये जो फूल चक्री थी सब हमने इसमें कूट दिया है और कूट के हम इसमें डाल देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च और काली मिर्च। फिर डाल देंगे हम मसाला, ये जो चिकन मसाला एक चम्मच डालना है। गरम मसाला डाल दिया मैंने। फिर डाल दिया कसूरी मेथी। अब आंच हमेशा ध्यान रहे कि कम कर देंगे, इस समय आंच कम करके चलाएंगे। अब इसको अच्छी तरह चलाएंगे और एकदम आंच कम करेंगे और अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे, ढक्कन लगा देंगे। बहुत ही होती है 10 मिनट बाद हम फिर इसको खोलेंगे। 10 मिनट करीब हो गए, अब हमने गैस बंद कर दी है और अब हम कुकर खोलेंगे। सब्जी मेरी बनकर तैयार है, देखिए ये सब्जी मेरी सब्जी बन के तैयार है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इसको निकालेंगे। इसको हम बाउल में निकालेंगे। ऊपर से गार्निश करेंगे धनिया की पत्ती और एक चीज और है जो कि हमने आपको नहीं बताई, वो एक चम्मच हम डालेंगे ऊपर से इसमें देसी घी। इससे स्वाद और अच्छा हो जाता है और खुशबू बढ़ जाती है। और कच्चा जीरा पिसा हुआ थोड़ा सा डालेंगे। बस मेरी सब्जी बनकर तैयार है। यह कटहल की सब्जी अब बनकर तैयार है। इसे हम सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठा या पूरी के साथ। इसका स्वाद चिकन या मटन से कतई कम नहीं है। जब कटहल दो प्याजा नाम की यह सब्जी आप स्वयं इस विधि से बनाएंगे तो आपको इसके स्वाद का पता चल जाएगा। कैसी रही यह सब्जी YouTube में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब से कर दें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।